गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकमिंग बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सो ये एनवी कल पेंटिंग बनाई थी, कलरिंग की थी उसके बेस्ट फ्रेंड खरी के लिए। सो और मुझे बोली कि लिखना है आई लव यू। और ये जो है उसकी टीचर मिस मराया ने उसे बताया था, कुछ फ्रैंकी कुछ है वो। और मैं स्कूल में उन्हें छोड़ के आ गई, तो अभी ये करी बनाने जा रही हूँ जो कि उड़ीसा में हम बनाते हैं। ड्रमस्टिक, पटेटो, टमेटो और ब्रिंजल चाहिए। और ये रहा मस्टर्ड पेस्ट में मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं ग्राइंड कर ली मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड को, उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक देके उसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना ली। अभी तेल गरम कर रही हूँ, उसके साथ मस्टर्ड सीड और ऑनियंस डाली, उसे अच्छे से फ्राई करना है। और ये जो ऐसा ही काटना है इस पोटैटो और ब्रिंजल को, एक प्लांट को, सो उसे काट के थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। उसके साथ मैं टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैं रेड चिली पाउडर यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि बच्चों को देना था इसीलिए, क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। सो बस उतना ही मैं मसाला डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो उसे हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। और टमेटोज काट के मैं रखी हूँ, उसके बाद उसे भी डालूँगी। तो ये वाला करी बहुत ही ईजी है, देखिए ये पूरा फाइन पेस्ट हुआ है। और मैं मसाला भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, हमें इतना मसाला खाने को अच्छा नहीं लगता है, तो डेली लाइफ में हम कम ही मसाला यूज़ करते हैं। सो उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा 3-4 मिनट तक। एंड देन आई एडेड टमेटोज। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपको कुछ ज़्यादा टाइम तक फ्राई भी नहीं करना है, बस उसे बॉईल ही करना है। जितना बॉईल करोगे उतना उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए इसीलिए मैं ड्राई मैंगो उसमें ऐड कर रही हूँ। जनरली उड़ीसा में हम वही ऐड करते हैं। तो आज कुमार पूर्णिमा है जो कि उड़ीसा का एक फेस्टिवल होता है। एंड ये क्यों मनाया जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार, द हैंडसम सन ऑफ शिवा, वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। ही ऑल्सो बिकम द गॉड ऑफ वॉर। सो इसीलिए यंग गर्ल्स जो कि शादीशुदा नहीं होते हैं, कुंवारी लड़कियां होती है, सो दे विश फॉर अ हैंडसम हस्बैंड। सो जैसे कि कार्तिकेय बहुत ही हैंडसम थे तो इसीलिए ये पूजा करते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत ही सुबह करते हैं, जब राइज होता है तब भी करते हैं, अंधेरा थोड़ा सा होता है। बट हमारा बहुत ही ठंड पड़ रहा था तो इसीलिए, और हनवी का भी स्कूल रहता है तो बस मैं पूजा उसके बाद ही की। और हनवी जब स्कूल से आई तब भी मैं उसका पूजा की थी। तो एक्चुअली हम जब छोटे थे तो बहुत ही जल्दी उठते थे, 5-5:30 बजे उठ के नहा धो के जाते थे पूजा करने के लिए।
और ये जो इसे कहते हैं अंजूला, सो वो माँ नहीं उठाती, कोई और उठाते हैं, बट यहाँ पे तो कोई नहीं है तो मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जो भी फेस्टिवल हो सेलिब्रेट करने के लिए घर में, ताकि उनका भी कुछ बॉन्ड हो, ता जाने ये सब होता है। तो ये रहा मेरा लंच, बहुत ही सिंपल। तो चलिए, हमारा न्यू डाइनिंग टेबल आ गया है और ये मेरी चॉइस का ही है, और ये हम रेक्टेंगुलर कर सकते हैं और बाद में स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि घर में मुझे और अमित को ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए हमने ये लिया, ताकि जब भी कोई गेस्ट ज़्यादा आए तो हम उसे लंबा कर सकते हैं, और जब हम जितने हम छोटा सा फैमिली के लिए ये ठीक है। तो ऐसा ही उसका बहुत ही ईजी था उसे ओपन करना, बस बीच में ही ये निकलना है और कुछ नहीं, और बहुत ही ईजी से भी आप फोल्ड कर सकते हो। तो कैसा लगा ये हमारा नया डाइनिंग टेबल, ज़रूर मुझे बताइएगा। उसके साथ हमारा कॉफ़ी टेबल भी नहीं था, तो इसीलिए ये वाला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अंदर में भी आप कुछ बुक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो इवनिंग में फिर से पूजा होती है, जो भी आप पूजा लगाया हो खई करके है, जो वाइट कलर का होता है, वो मेरे पास नहीं था इस बार। और कोकोनट और बनाना और छेना, जो चीज़ कॉटेज चीज़ होता है, सब कुछ मिला के आपको एक मून करना है, जिसे हम चांदो कहते हैं। सो इन द इवनिंग टाइम व्हेन द मून राइजेस, देन अगेन वी विल मेक दिस फूड टू ऑफर द मून विद अ स्पेशल वेराइटी, एंड जब रिचुअल ख़त्म होगा देन वी विल हैव टू टेक दैट फूड। सो इस पूजा में लास्ट में सब कोई डांस करता है, गाना गाते हैं, और एक गेम है जिसका नाम है पूछी, वो खेलते हैं, एंड बहुत सारी गेम्स होते हैं। और इस डे में लक्ष्मी जी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज ऑफ वेल्थ, एंड मेनी पीपल ऑल्सो वर्शिप द गॉडेस एट देयर होम एंड कीप देमसेल्फ अवेक बाई प्लेइंग पासा मीन्स चेस एंड सम इंडोर गेम्स। सो रात भर वो जाके खेलते रहते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे याद आ जा रहा है जब मैं करती थी बचपन में, हम सब दोस्त मिल के करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो चलिए रात की डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज मटर करी बन रही है, सो मैंने बहुत ही सिंपल इजी करी बनाई है और बहुत ही टेस्टी भी था, इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सो फर्स्ट आई टुक सम ऑयल, देन ऐड क्यूमिन सीड, कट ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड गार्लिक, एंड देन वी हैव टू फ्राई इट फॉर सम टाइम। उसके बाद अगर आपके पास करी लीफ है देन यू कैन ऐड इट और इट्स ऑप्शनल, एंड पुट सम ऑनियंस, और यहाँ पे मैं जिंजर स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गार्लिक जहाँ भी फ्लेवर अच्छा लगता है, तब जिंजर का अगर मैं डालती हूँ तो कुछ डिफरेंट आता है। तो मोस्टली मैं अगर गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक यूज़ करती हूँ तो बस गार्लिक ही उसमें ऐड करती हूँ। तो उसके बाद हम उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, देन वी विल ऐड सम सॉल्ट, ये बहुत ही ईजी है और कम टाइम में आपका बन जाता है, तो इसीलिए और ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं टमेटोज़ ली हूँ, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप दो टमेटोज ऐड कर सकते हैं, मैं एक टमेटोज उसमें ऐड की हूँ। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ पाउडर्स नहीं डाली हूँ, एक चम्मच, एक स्पून, वन टेबल स्पून ऑफ क्यूमी कोरिएंडर पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर,
एंड टर्मरिक सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर. ये स्पाइसी नहीं है क्योंकि दही मिर्च है, जस्ट फॉर कलर. सो उस मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं तो आलू, आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, तो मैं आलू कट पीसेस करके उसमें डाली हूँ, मैं बॉयल नहीं की हूँ. तो उसे थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी. उसके बाद गरम मसाला डालती हूँ क्योंकि उसका स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे मटर करी में मोस्टली, तो इसीलिए. और ये जो मटर देख रहे हैं, मैं इंस्टा पॉट में उसे 40 मिनट्स तक दी थी हाई में, उसके बाद वो हो गया था. तो वो अच्छा है इंस्टा पॉट में, अगर आपने पहले से भिगो के नहीं रखा है तो 40 मिनट्स हाई में दे देंगे तो हो जाता है. तो उसे थोड़े से फ्राई कर ले रही हूँ. और अगर आप कस्तूरी मेथी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर कुछ डिफरेंट आता है. देन आफ्टर गिविंग वाटर जस्ट बॉयल इट फॉर 15 मिनट्स एंड इट विल बी डन. ओके दोस्तों, आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद एंड दिशा फैमिली. अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू वॉन्ट टू. सो गाइस, हाय गर्ल्स, कैन यू से हैप्पी कुमार पूर्णिमा? हैप्पी पूर्णिमा. हैप्पी हैप्पी कुमार कुमार पूर्णिमा पूर्णिमा टू टू ऑल ऑल गिव अ फाइन फ्लाइंग किस. Mm-hmm. Okay, say bye. Bye. I'll see you.